गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज लेसन 7, द लास्ट लीफ, एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज ओ हेनरी। ओ हेनरी वॉज अ फेमस राइटर, प्ले राइट, स्टोरी राइटर ऑल्सो। इन दिस लेसन द लास्ट लीफ, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लास्ट लीफ मीन्स लास्ट जो पत्ता है, अंतिम जो पत्ता है। अब देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ, द लास्ट लीफ। थ्रू द स्टोरी आई वांट टू टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ द लास्ट लीफ। देखिए दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल दैट बिकम इल, और उसके ये फीलिंग थी कि जब एवी क्रीपर, एक बेल होती है, कि जब उसका लास्ट लीफ गिर जाएगा, फेल डाउन हो जाएगा, आई विल ऑल्सो डाई, मैं भी मर जाऊंगी। नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट द स्टोरी। देर आर मेनली थ्री कैरेक्टर्स इन द लेसन बेटा। फर्स्ट स्यू, जॉन्सी बर्मन। बर्मन वाज अ फेमस पेंटर। देखिए जो स्यू एंड जॉन्सी है, स्यू एंड जॉन्सी लिव इन ग्रीनविच विलेज। कहाँ रहते हैं ये? ग्रीनविच विलेज इन द वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वेयर। वॉशिंगटन स्क्वेयर में ग्रीनविच विलेज है जहाँ ये रहते हैं। अब देखिए जो ग्रीनविच विलेज है, इट्स फेमस फॉर पेंटर्स। बहुत सारे पेंटर्स यहाँ के फेमस पेंटर हुए हैं। तो जो स्यू एंड जॉन्सी, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट की हैं, बट दे लिव टुगेदर, इकट्ठे रहती हैं। उन्होंने थ्री स्टोरीज अपना ऊपर एक स्टूडियो बनाया हुआ है, एंड दे वर्क टूगेदर इन दिस स्टूडियो। उस स्टूडियो में दोनों काम करती हैं। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, स्यू एंड जॉन्सी आर बेस्ट फ्रेंड्स। दे आर लाइक सिस्टर्स, बहनों की तरह हैं दोनों। तो इस तरह से दे वर्क टूगेदर, इकट्ठे काम करती हैं। नाउ वन डे जॉन्सी कैचेस निमोनिया। जॉन्सी है जो, उसको निमोनिया हो जाता है, ठंड की वजह से निमोनिया होता है। देखिए निमोनिया किस तरह, देखिए पी साइलेंट होता है बेटा यहाँ पर, तो निमोनिया PNEUMONIA निमोनिया हो जाता है। शी बिकम इल फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों के तो उसको बुखार चढ़ रहा था। नाउ शी बिकम पेसिमिस्ट बन जाती है, एंड ऑलवेज थिंक दैट आई विल डाई, आई कांट लिव फॉर एवर, कि मैं लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहूँगी। एंड दिस वे शी बिकम सैडिस्ट, बड़ी सैडिस्ट हो जाती है। हर बिलीफ वाज दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ एवी क्रीपर फेल। अब देखिए एक एवी क्रीपर बेटा एक बेल होती है। दैट वाज द नेक्स्ट हाउस, जो नेक्स्ट हाउस था उनसे, उस घर में एक बेल थी, ईवी की बेल। तो जो जॉन्सी थी, जॉन्सी हैड अ डीप बिलीव दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ दैट ईवी क्रीपर फेल डाउन, कि जब उस ईवी क्रीपर का लास्ट लीव फेल डाउन हो जाएगा, आई विल ऑल्सो डाई, मैं भी मर जाऊंगी। देयर वर फ्यू लीव्स ऑन दैट क्रीपर, उस बेल के ऊपर बड़े ही थोड़े पत्ते थे, आई थिंक 12-15 इतने ही पत्ते थे। जब 12 लीव्स रह जाते हैं तो उसको लगता है कि अब मैं मरने वाली हूँ। तो वो हमेशा जो स्यू थी, स्यू कर्टेंस बंद करती थी ताकि वो उन लीव्स को ना देख सके, बट जॉन्सी उसको ओपन करवा देती थी और उस बेल की तरफ ही देखती रहती थी। ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी। स्यू थी जो, स्यू उसकी बड़ी केयर करती है, बहुत केयर करती है, उसको खाना देती है, उसके लिए वायलिन बजाती है, दूसरे काम करती है। बट जॉन्सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, हर चीज़ में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था। नाउ स्यू मीन्स बर्मन। बर्मन बेटा वॉज अ फेमस पेंटर, बट एट दैट टाइम ही वॉज नॉट फेमस। उस टाइम तक वो फेमस नहीं हुआ था। तो स्यू बर्मन से मिलती है, एंड शी टोल्ड हिम द होल प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम सारी उसके साथ डिस्कस करती है। नाउ बर्मन उसको एडवाइस देता है दैट आई विल पेंट अ लीफ ऑन दैट क्रीपर। देखिए बर्मन पेंट्स लीफ, कहता कि मैं यहाँ पर एक लीफ को पेंट कर दूँगा। तो क्या होता है, रात को बड़ी तेज हैवी रेन होती है,
साथ में स्नो फॉलिंग होती है और जो था बर्मन था एक लैडर लेकर आता है, उस लैडर से वो पेड़ के ऊपर, क्योंकि देयर वाज ओनली वन लीफ, सिर्फ एक ही पत्ता उसके ऊपर रह गया था, तो फिर वो क्या करता है, इट वाज रेनी एंड स्टॉर्मी हैवी बट ही पेंटेड अ लीफ। वो क्या करता है, लैडर लेकर आता है, बड़ी तेज बारिश हो रही थी और साथ में स्टॉर्म बर्फ पड़ रही थी, फिर भी वो लैडर के ऊपर चढ़ के उसको पेंट करता है। बट देखिए, जब शी वोक अप इन द मॉर्निंग, शी थॉट दैट ऑल लीव्स विल बी फेल डाउन, कि हर एक पत्ता गिर चुका होगा, बट शी वाज सरप्राइज टू सी दैट इन द हैवी रेन इन द स्टॉर्मी वेदर वन लीफ वाज ऑन द क्रीपर, एक लीफ अभी भी बेल के ऊपर था। देन शी रियलाइज दैट एवरी लीफ ऑफ द क्रीपर इज फेल डाउन, ओनली वन इज रिमेनिंग। इफ वन लीफ इज कैन रिमेन, कि अगर एक पत्ता बेल के ऊपर रह सकता है तो मैं जीवित क्यों नहीं रह सकती, कि जब इतनी हैवी रेन में, इतनी हैवी स्नोफॉल में ये पत्ते की, देखो विल पावर कितनी स्ट्रोंग है, ये फेल डाउन नहीं हुआ तो मैं कैसे मर सकती हूँ। तो वो अपने आप को रिकवर करने की सोचती है कि आई विल ऑल्सो कांट डाई, कि मैं भी नहीं मर सकती, मैं भी जी के दिखाऊंगा। तो इस तरह जॉन्सी रिस्टोर हर विल टू लिव, अब वो अपनी विल पावर को स्ट्रोंग जीने की। बट देयर वाज अ बैड न्यूज इन द मॉर्निंग, स्यू केम टू नो दैट बर्मन हैड डाइड इन कोल्ड इन निमोनिया, निमोनिया की वजह से जो बर्मन है उसकी डेथ हो जाती है। देखिए, बिकॉज इन द नाइट ही वाज ऑन द लैडर, ही वाज पेंटिंग द लीफ, और वो लीफ का जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा था, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था दैट इट इज अ आर्टिफिशियल लीफ। अब देखिए, जॉनसी को पता ही चला दैट इट वाज अ आर्टिफिशियल लीफ, तो एट दैट टाइम ही वाज फॉलिंग बाय निमोनिया, निमोनिया ने उसको घेर लिया एंड ही वाज डाइड इन द मॉर्निंग। व्हेन यू केम टू नो दैट शी टोल्ड द होल स्टोरी टू द जॉनसी, जॉनसी को पूरी स्टोरी बताती है दैट दिस लीफ इज नॉट द ओरिजिनल लीफ, इट्स आर्टिफिशियल लीफ एंड दिस लीफ इज मेड बाय बर्मन दैट इज डाइड, कि ये बर्मन ने ही बनाया है जो अब मर चुका है। शी बिकेम सरप्राइज, जॉनसी बिकेम सरप्राइज टू हियर दिस, ऐसा सुन के जॉनसी बड़ी सरप्राइज होती है, बहुत रोना स्टार्ट कर देती है एंड इट वॉज सेड दैट इट वॉज अ बर्मन मास्टर पीस। एंड आफ्टर दिस क्या है, जो बर्मन है उसके इस मास्टर पीस से आफ्टर हिज डेथ, आप देखिए बेटा इट्स आयरनी, आयरनी क्या है यहाँ पर, ही बिकेम फेमस आफ्टर हिज डेथ, उसका जो मास्टर पीस है जो लीफ है इट बिकेम फेमस एंड इट्स अदर हिज अदर पेंटिंग्स ऑल्सो बिकेम फेमस आफ्टर हिज डेथ। इन दिस वे वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर शुड बी नेसेसरी, कि अगर हमें जीना है हमें ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी पड़ेगी, ओनली देन वी कैन सर्वाइव इन दी लाइफ। दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन बेटा, यू हैव टू रीड दिस लेसन द लास्ट लीफ इन योर बुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।